आप सभी लोग टीवी तो ज़रूर देखते होंगे और आप सभी का टीवी पर कोई ना कोई फेवरेट शो भी ज़रूर होगा। कोई व्यक्ति न्यूज़ देखना पसंद करते हैं, कोई व्यक्ति सीरियल देखना पसंद करते हैं, तो कोई व्यक्ति मूवीज़ देखना पसंद करते हैं और बच्चे कार्टून चैनल्स देखना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी चैनल्स पैसा कैसे कमाते हैं और उन चैनल्स पर चलने वाले शोज़ कैसे पैसा कमाते हैं? तो शायद आप सबको लगता होगा कि डीटीएच ऑपरेटर हमसे हर महीने टीवी देखने के पैसे लेता है और फिर टीवी पर एडवर्टाइजमेंट भी चलते हैं, उससे पैसा कमाते होंगे। तो आप सभी लोग काफ़ी हद तक सही सोच रहे हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आपको आज हम इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में बताएंगे कि आखिर टीवी चैनल्स पैसा कैसे कमाते हैं और भारत के 5 पॉपुलर टीवी चैनल्स कौन से हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे टीवी चैनल्स की अर्निंग का पूरा खेल। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं भारत के 5 सबसे पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स के बारे में। नंबर 5 पर आता है हिंदी ड्रामा चैनल जी टीवी। दोस्तों, ये चैनल जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज का है और ये चैनल 2 अक्टूबर 1992 को शुरू हुआ था और इस चैनल पर मुख्य तौर पर हिंदी टीवी सीरियल ड्रामा देखने को मिलता है और इस चैनल पर डांस इंडिया डांस और सारेगामापा जैसे पॉपुलर रियलिटी शो भी आते हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा इस चैनल के मालिक हैं। चौथे नंबर पर आता है जैमिनी टीवी। ये एक तेलुगु टीवी चैनल है। ये चैनल 9 फरवरी 1995 को शुरू हुआ था और ये सन ग्रुप का एक चैनल है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। इस चैनल पर मुख्य तौर पर तेलुगु सीरियल्स और गेम शोज़ चलाए जाते हैं। इस चैनल पर चलाए जाने वाले शोज़ साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कलर चैनल। इस चैनल को वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि इस चैनल पर काफ़ी सारे पॉपुलर रियलिटी शोज़ आते हैं। ये चैनल 2007 में शुरू हुआ था। ये चैनल असल में 50-50 है, यानी कि इस चैनल का एक मालिक तो वीकॉम है और दूसरे मालिक 18 ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स जो कि रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस चैनल पर मुख्य तौर पर हिंदी धारावाहिक चलाए जाते हैं, लेकिन वीकेंड पर इस चैनल पर कुछ पॉपुलर रियलिटी शोज़ और टीवी सीरियल्स आते हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर नागिन टीवी सीरियल और रियलिटी शो में बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी और इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे पॉपुलर शोज़ आते हैं। नंबर 2 पर आता है स्टार प्लस। ज़्यादातर भारतीय घरों में महिलाएं स्टार प्लस देखना पसंद करती हैं। ये चैनल 21 फरवरी 1992 को शुरू किया गया था। उस वक्त इस चैनल का नाम स्टार टीवी हुआ करता था, लेकिन 17 अप्रैल 1996 को इस चैनल का नाम बदलकर स्टार प्लस रखा गया। ये चैनल फॉक्स और स्टार इंडिया नेटवर्क का एक हिस्सा है। इस चैनल पर हिंदी टीवी सीरियल्स, रियलिटी शोज़ और क्राइम और टेलीफिल्म से रिलेटेड शोज़ चलाए जाते हैं। इस चैनल को पूरी दुनिया में चलाया जाता है और इस काम को अंजाम देती है फॉक्स नेटवर्क ग्रुप। पहले 1992 में स्टार ग्रुप की कुछ कोलैबोरेशन जी एंटरप्राइज के साथ थी, लेकिन बाद में स्टार ने जी एंटरप्राइज से अपनी रिलेशनशिप खत्म कर दी और स्टार प्लस भारत का दूसरा सबसे पॉपुलर हिंदी चैनल बन गया और टीआरपी के चार्ट में ये चैनल हर हिंदी चैनल में नंबर 1 पर आता है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस चैनल की जो कि नंबर 1 पर आता है। आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी, भारत का नंबर 1 चैनल एक हिंदी चैनल नहीं है बल्कि तमिल चैनल है। दोस्तों, भारत का नंबर 1 टीवी चैनल सन टीवी है। ये एक तमिल चैनल है। ये चैनल 14 अप्रैल 1993 को शुरू हुआ था और 2011 से ये चैनल HD में उपलब्ध है। ये चैनल सन टीवी नेटवर्क का एक हिस्सा है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई, तमिलनाडु में है। इस चैनल पर मुख्य तौर से तमिल टीवी सीरियल्स चलाए जाते हैं। ये चैनल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला तमिल चैनल है और 2006 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इस चैनल के शेयर 853 करोड़ थे और इस चैनल के शेयर बढ़ते ही गए और टीआरपी चार्ट में भी ये चैनल हमेशा सबसे ऊपर रहता है। तो दोस्तों, ये तो थे भारत के 5 सबसे पॉपुलर और धनी चैनल। लेकिन अब बात करते हैं कि ये चैनल्स आखिर पैसा कैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि टीवी पर चल रहे चैनल की जीआरपी क्या है
और उस चैनल पर चल रहे शो की टीआरपी क्या है। जीआरपी का मतलब है ग्रॉस रेटिंग पॉइंट और टीआरपी का मतलब है टारगेटेड रेटेड पॉइंट। शायद आपको अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन चिंता मत करिए, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, टीवी जगत में एडवर्टाइजमेंट का एक पैमाना है, जहां पर अलग अलग एडवर्टाइजर पहले चैनल की जीआरपी चेक करते हैं और उसके हिसाब से टीवी चैनल को एडवर्टाइजमेंट चलाने के पैसे देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि चैनल का जीआरपी चेक कैसे करते हैं, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें ये नहीं देखा जाता है कि आपका चैनल किस किस जगह पर चलाया जाता है, बल्कि ये देखा जाता है कि कितने लोग आपके चैनल पर विजिट कर रहे हैं और फिर मैथमेटिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपके चैनल की जीआरपी निकाली जाती है। अब दूसरी टर्म है टीआरपी। आपने शायद ये शब्द पहले सुना होगा, लेकिन टीआरपी के बारे में आप लोगों को कम ही जानकारी होगी। तो चलिए दोस्तों, आपको अब बताते हैं टीआरपी के बारे में। टीआरपी का मतलब है टारगेटेड रेटिंग पॉइंट, यानी कि किसी टीवी शो को देश के किस हिस्से से कितना देखा जा रहा है। किसी भी शो की टीआरपी का पता करने के लिए एक टीम होती है। मान लीजिए यहाँ हम भारत में किसी टीवी शो की टीआरपी की बात कर रहे हैं, तो टीआरपी का पता करने के लिए एक स्पेशल टीम होती है जो कि भारत के कुछ हजार घरों को रेंडमली चुनती है, जिनमें कुछ घर शहरी यानी कि अर्बन एरिया से होते हैं और कुछ घर गांव से यानी कि रूरल एरिया के होते हैं। तो फिर वह टीम इन चुने हुए घरों में जाकर उन लोगों के सेटअप बॉक्स के साथ एक डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि उन घरों में देखे जा रहे टीवी चैनल्स की लिस्ट तैयार करता है और कौन सा चैनल और कौन सा शो कितने समय तक देखा जा रहा है ये कैलकुलेट करता है, और इस डेटा को सैटेलाइट के जरिए उस जगह पर भेजा जाता है जहां पर फिर इस डाटा के हिसाब से पॉपुलर शोज और चैनल का टीआरपी निकाली जाती है। और इस डिवाइस का नाम है प्यूपलियाज मीटर, जो कि भारत के कुछ रेंडमली घरों में लगाया जाता है और टीआरपी डेटा कलेक्ट करता है। और भारत में मुख्य तौर से INTAM यानी कि इंडियन टेलीविज़न ऑडियंस मेजरमेंट ही एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक एजेंसी है जो कि टीआरपी निकालने का काम करती है। तो दोस्तों, अब हमने ये तो जान लिया है कि टीआरपी और जीआरपी क्या है और ये कैसे काम करती है। चलिए अब देखते हैं कि इस टीआरपी के बेस पर टीवी चैनल और टीवी शोज पैसा कैसे कमाते हैं। तो जिस चैनल की टीआरपी सबसे ज़्यादा है, जाहिर सी बात है वह चैनल ज़्यादा देर तक देखा जा रहा है और उस चैनल पर चलने वाले शोज भी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो फिर टीवी चैनल्स पर आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी जो कि हर शो के बीच में चलाई जाती है। तो दोस्तों, टीवी चैनल्स इन एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए एडवर्टाइज़र कंपनियों से पर सेकंड के हिसाब से पैसे लेते हैं, और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी कई तरह की होती है और टीवी पर उनके चलने का समय भी अलग अलग होता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट 15, 30, 45, 60 और 120 के टाइम शिफ्ट में चलाई जाती है। तो जिस एडवर्टाइजमेंट का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है कि उस एडवर्टाइजमेंट का ज़्यादा पैसा चार्ज होगा। तो हमेशा ही आगे से आप ध्यान दीजिएगा कि एडवर्टाइजमेंट केवल 15, 30, 45, 60 और 120 मिनट के टाइम के शिफ्ट में ही चलाई जाती है, और उसके बाद देखा जाता है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट टीवी पर किस वक्त चलाई जा रही है। भारत में मुख्य तौर से 8:30 से 10:30 बजे का टाइम पीरियड प्रीमियम टाइम पीरियड माना जाता है, क्योंकि इस वक्त भारत के ज़्यादातर घरों में टीवी देखा जाता है, और इस वक्त जो भी एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है उसकी कीमत 3 गुना तक बढ़ जाती है बाकी टाइम के मुकाबले। तो दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट से तो इस तरह पैसा कमाती है हर एक टीवी चैनल्स। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की तरफ, और दूसरा तरीका होता है कि बहुत से चैनल तो फ्री टू एयर होते हैं, लेकिन कुछ चैनल्स की टीआरपी ज़्यादा होती है। वह चैनल अपने चैनल्स को फ्री टू एयर नहीं कहते हैं, यानी कि वह चैनल अपने चैनल को देखने की सब्सक्रिप्शन भी रखते हैं, जो कि आप लोगों से ली जाती है डिफरेंट डीटीएच ऑपरेटर्स केबल्स के द्वारा। तीसरा तरीका होता है कि आप सभी ने देखा होगा बहुत से शोज के नाम के साथ कुछ कंपनियों के नाम लिखे रहते हैं, उन्हें स्पॉन्सरशिप कहते हैं, और स्पॉन्सरशिप भी कई तरह की होती है, लेकिन इन स्पॉन्सरशिप के पैसे टीवी शोज खुद लेता है और स्पॉन्सरशिप का कुछ हिस्सा टीवी चैनल को भी जाता है, और इन स्पॉन्सरशिप की कॉस्ट भी टीवी की टीआरपी की वेरिएशन के साथ एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट की वेरिएशन भी ऊपर नीचे होती रहती है।
टीवी चैनल्स 80% पैसा एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं और 20% अन्य तरीकों से, यानी कि कॉपीराइट और सब्सक्रिप्शन फीस से कमाते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, एडवर्टाइजमेंट की कीमत कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि जिसकी आप लोगों ने कभी उम्मीद भी नहीं की हो सकती है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच के बीच चलने वाली एडवर्टाइजमेंट की कीमत कई बार 1 लाख रुपए पर सेकंड भी होती है। फिर ये डिपेंड करता है कि मैच कौन सा है, यानी कि वर्ल्ड कप है या फिर सामान्य मैच है। तो दोस्तों, आप सभी को पता लग ही गया होगा कि टीवी चैनल्स कितना सारा पैसा कमाती है। और एडवर्टाइजमेंट का पैसा सबसे पहले टीवी चैनल्स को जाता है, फिर टीवी चैनल्स टीवी शो की टीआरपी के हिसाब से उस शो को पैसा देती है और बाकी बचे हुए पैसे को अपने प्रॉफिट के तौर पर रखती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को टीवी चैनल के पैसे कमाने का ये पूरा खेल समझ में आ गया होगा। और अगर आपका भी कोई सुझाव या प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और आप लोग ये भी बताएं कि आपका फेवरेट चैनल कौन सा है और फेवरेट शो कौन सा है, ताकि मोटे तौर पर हम सभी लोग भी देख सकें कि हम सभी भारतीयों को असल में कौन सा शो सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि टीवी चैनल्स आखिर पैसा कैसे कमाते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि टीवी चैनल्स पैसा कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि आपका फेवरेट टीवी चैनल या फिर टीवी शो आखिर पैसा कैसे कमा रहा है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत